हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सबको पता है, सर्दियाँ शुरू हो गई है। ऐसे में बनाए अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट सम पराठे और सर्दियों का आनंद लीजिए, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा पराठे खाने का मन करता है। तो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 6 डिफरेंट तरह के पराठे। जब जो अपने पास गूंथा हुआ आटा रहता है उसका हम इसको बना सकते हैं। तो जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे इसको बना के खाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। आपको ये रेसिपी कभी किसी ने शायद ही बनाई होगी, नहीं आपने कि कभी ऐसी रेसिपी देखी है। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए एकदम चटपटा क्रिस्पी पराठा बनाएंगे आज। ये देखिए, जब भी चटपटा खाने का मन करे तो ये पराठा बना के खाइए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तो 2 कटोरी आटा ले लिया है। इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक, जो नॉर्मली अपने घर में रोटी आटा गूंथा जाता है रोटी के लिए, उस आटे से इसको बनाएंगे। तो आटे में नमक डाल दिया है और इस तरह से गूंथ के तैयार कर लेना है। अब इसके बना लेंगे लोई और इस पर आटा लगा कर इसकी बना लेनी है रोटी। तो इस तरह की रोटी बना लेंगे। कभी भी किसी के लिए रोटी बना रहे हो और कुछ एक आध पराठा चटपटा खाने का मन करा तो झटपट बना लेना, कोई ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है, ये चीज़ों से बन जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले तो रोटी बना देनी है। अब इस पर लगा देंगे तेल, तो पूरे पे इस तरह से तेल लगा देना है। ऑयल, घी, बटर, जिसका भी आप यूज करना चाहो वो ले सकते हो। तो पूरी रोटी पे इस तरह से अच्छे से लगा देना है। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, पूरी रोटी पे इस तरह से फैला देनी है। ये पराठे मेथी के पराठों को भी फेल करने वाला है, ऐसे गजब के पराठे बनाए। और थोड़ी सी सफ़ेद तिल्ली को भी इस पर अच्छे से फैला देना है। थोड़ा सा डाल देनी है लाल मिर्च, मैं यहाँ डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा डाल देना है नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, अगर हरी मिर्च डालना चाहो तो उसका भी यूज कर सकते हो। सारी चीज़ों को इस पर अच्छे से इस तरह से डाल देना है और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, और इस तरह से कट कर देना है। तो इसको मैंने 6 पीसेस में कट किया है। अब इसको इस तरह से रोल करते हुए एक एक टुकड़े को इस तरह से रोल कर लेना है। ये देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी रेसिपी है। और नॉर्मली अपने घर में जो भी आटा गूंथा हुआ रहता है कभी बच जाता है, उसका भी हम बना सकते हैं। और ना तो इसका मसाला बनाने की झंझट, ना कुछ भी नहीं, बस रोटी पे फैलाओ और बनाओ। अब इसका थोड़ा सा आटा डाल के बेल लेंगे इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। अब इसको तवे पे डाल देना है और तेल लगाते हुए उलट पुलट करके इसको बढ़िया से सेक लेना है। तो इस तरह से एक किनारे पे तेल लगा दिया है मैंने, वापस इसको पलट देंगे
और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से तेल को लगा देना है। तो इस तरह जैसे पराठे को हम सेकते हैं उस तरह से उलट पुलट करते हुए इसको सेक लेना है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आगे भी अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये देखिए हमारा पराठा बन गया है। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मैंने यहाँ इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितना बढ़िया बना है, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको आप जैसे मर्जी आओ खाइए और नमकीन पराठे का मजा लीजिए। आप इसको दही के साथ खाओ, टमाटर सॉस के साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको सब्जी के साथ भी खा सकते हो। तो ये देखिए दो तीन पराठे बनाए हैं मैंने, लेकिन बहुत ही बढ़िया पराठे हमारे बने हैं। आज बनाते हैं नई स्टाइल में आलू के पराठे। घर वाले भी पूछेंगे कि कैसे बनाया। एकदम फूले फूले मस्त आलू के पराठे जिनको बनाना है बहुत ही आसान। जिसने कभी आलू का पराठा नहीं बनाया वो भी इनको बहुत ही आसानी से बना लेगा। एकदम बिल्कुल मस्त तरीका है। शायद ही कभी किसी ने आपको इस तरह से आलू पराठा बनाने का बताया होगा। चलिए इसको बनाएंगे आज झटपट से। सबसे पहले तो यहाँ ले लिए दो उबले हुए आलू। इनको हाथों से नहीं फोड़ना है, कद्दूकस करना है। इससे क्या है इनमें आलू का टुकड़ा एक भी नहीं बचेगा और सारे आलू अच्छे से बारीक हो जाएंगे, जिससे हमारे आलू के पराठे एकदम परफेक्ट बनते हैं। तो इस तरह से कद्दूकस करके बनाइए। जब भी बनाए पराठे तो आपके पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ इस तरह दोनों आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए दोनों आलू को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया। तो ये आलू हमारे इस तरह से एकदम बारीक हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक। तो मैंने यहाँ काले नमक का यूज किया है। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दो से तीन हरी मिर्च डालनी है। और धनिया नहीं है तो मैं धनिया की जगह यहाँ पुदीना डाल रही हूँ। पुदीने से भी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनते हैं पराठे। और आप पुदीने को स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हो। हरा धनिया भी यहाँ डाल के बना सकते हो। तो ये मैंने 7 से 8 पुदीने की पत्तियों को इस तरह कट करके इसमें डाल दिया है। अब सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। इस तरह हाथों से मिक्स कर लेना है। इस तरह अगर आप आलू के पराठा बनाओगे, चाहे गोल बनाओ या कैसा भी बनाओ, आपका आलू का पराठा बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरह हाथों से एक फिर इनको मसल देंगे। तो यह हमारा पराठा बनाने के लिए मसाला बनके तैयार हो गया है। ये देख सकते हो आप। अब इसमें एक चीज और डालेंगे। तो उसको डालने के लिए इसको अच्छे से मसल के और इस तरह फैला देंगे। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच या दो चम्मच टेबल स्पून ऑयल। तो यहाँ मैं दो चम्मच ऑयल का यूज कर रही हूँ, जिससे क्या है
हमारी स्टेपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से खुल के, अपन जैसे पराठे को खोलेंगे तो हमारी स्टेपिंग अच्छे तरह से खुल जाएगी और एकदम बढ़िया पराठा बनेगा। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसको इस तरह मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले को एक तरफ रख देना है। अब एक बर्तन में ले लेना है आटा। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं इस तरह का आटा गूंथ लेना है। तो यहाँ मैंने ये आटे को गूंथ लिया है इस तरह का। अब इसके हम बनाएंगे पराठे। सबसे पहले तो एक लोई तोड़ लेनी है और लोई बना के, तो इस तरह की गोल लोई बना के, और इसकी बना लेनी है रोटी आटा लगा के इस तरह से, और रोटी बेल लेनी है। तो यह मैं रोटी भी बेल के दिखाती हूँ। इस तरह से रोटी को बेल लेना है थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर। तो यह मैंने इस तरह से रोटी को अच्छे से बेल लिया है। अब इसमें हम मसाला डाल के और रोटी पे अच्छे से फैला देंगे, चाकू या हाथ की सहायता से जैसे भी, रोटी पे इस तरह से अच्छे से इसको फैला देना है। पराठे बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर इस तरह जो पराठा बनाओगे तो आपका पराठा कभी नहीं बिगड़ेगा और बहुत ही बढ़िया स्टफिंग वाला पराठा बनके तैयार होएगा। सबसे सरल तरीका है ये आलू के पराठे बनाने का। तो पूरी रोटी पे स्टफिंग को इस तरह से फैला देना है। अब इसको बीच साइज, बिल्कुल बीच सेंटर में चाकू लगाकर इस तरह से कट कर देना है, और ये इस तरह इसको घुमाते हुए इसका, ये देखिए, तो इसकी 4 परत ये बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल तीखुना पराठा हमारा बनने वाला है। थोड़ा थोड़ा वापस इस तरह से आटा लगा के इसको बेल लेना है। तो देखिए, इससे मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है और हमारा पराठा एकदम बढ़िया बनके तैयार होने वाला है। तो ये इस तरह से आलू का पराठा बन गया है। अब इसको हम सेक लेंगे। तो इधर मैंने तवा चढ़ा दिया था, पहले तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें पूरे में इस तरह से ऑयल लगा देना है जिससे हमारा पराठा चिपके नहीं। उस पर डाल देना है पराठे को। तो जैसे इसकी एक साइड अच्छे से हल्की सी सिक जाती है तो इसको पलट देना है। तो देखिए, हमारा पराठा हल्का सा फूलने लग गया है। अब इस पर वापस इस तरह से ऑयल लगा देना है और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से ऑयल लगा देना है। वापस इसको पलट देंगे, तो इसी तरह उलट पुलट करते हुए इसको सेकेंगे। तो देख सकते हो आप पराठा कितना बढ़िया फूल रहा है, एकदम फूले फूले पराठे बनेंगे। 2 कटोरी आटे से मेरे 5 पराठे बने हैं, 5 इस तरह से बहुत ही बढ़िया फूले फूले बने हैं। तो इस तरह उलट पुलट करते हुए इसको सेक लेना है। तो ये देख सकते हो हमारा पराठा कितना बढ़िया फूल रहा, और साइड से इसकी स्टफिंग भी अच्छे से नजर आ रही है। तो इस तरह बनाइए आलू के पराठे, बहुत ही बढ़िया टेस्टी और स्वादिष्ट। कभी नहीं बिगड़ेंगे आपके आलू के पराठे अगर इस तरह बनाओगे तो।
मैं इसी तरह एक पराठा और सेक के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ तवा गर्म हो चुका है, तवे में डाल देना है पराठे को, एक साइड अच्छे से हल्की सी सिक जाए, फिर इसको उल्टा कर देना है। तो इस तरह पराठे को पलट देंगे और इस पे लगा देंगे ऑयल, और जिसे पहले वाले पराठे को सेका उसी तरह इसको भी सेक लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए ये वाला पराठा भी कितना बढ़िया फूला है, देख सकते हो आप। मैं पलट दूसरी साइड भी इसकी अच्छे से सक गई है, देखिए कितना बढ़िया पराठा हमारा बनके तैयार हुआ है। खाने वाला भी पूछेगा कि इसको कैसे बनाया है, तो देख सकते हो आप पराठा का लुक। आगे भी अगर मेरी रेसिपी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए ये पांचों पराठे मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया ये पराठे बनके तैयार हुए हैं, ये यहाँ आप देख ही सकते हो। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। तो देखिए मैं इसकी स्टफिंग भी आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ देख सकते हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए एक बार फिर स्टफिंग दिखाती हूँ मैं आपको इसकी, है ना एकदम मस्त। इसको कहते हैं आलू का पराठा। आलू का पराठा बनाओ तो ऐसा ही बनाएं ताकि खाने वाला भी खाता ही रह जाए और पूछता भी रह जाए कि ये कैसे बनाया। आज मैं लाई हूँ आपके लिए पालक के पराठे की रेसिपी, बहुत ही सादा सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम पालक, जिसके मैंने अच्छे से बड़े बड़े डंकल निकाल के पत्ते ले लिए हैं। इसको बढ़िया धो लिया है, इसको बारीक काट लेंगे, इस तरह से बारीक काटना है, बढ़िया सा काट लेना है। तो ये मेरा पालक अच्छे से कट के, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा लेते हुए दोनों हाथों से चाकू की सहायता से पालक को इस तरह से काट लेंगे। तो ये पालक इस तरह बढ़िया बारीक काट लेना है। तो इस तरह मैंने पालक को बढ़िया सा काट लिया है, और ये मेरा पालक अच्छे से कट के तैयार हो चुका है। इसको इस तरह के बर्तन में डाल लेंगे, और ले लिए मैंने एक प्लेट, इसमें 3 से 4 मिर्च को अच्छे से बारीक काट लेंगे, चाकू की सहायता से इस तरह बढ़िया बारीक काट के लेनी है। तो ये अपनी मिर्ची कट रही है, तो इस तरह सारी मिर्ची को मैंने बढ़िया से काट के तैयार कर लिया है। तो ये अपनी मिर्ची कट के तैयार हो चुकी है। अब इधर लिए मैंने 4 ऐसे छोटे छोटे प्याज, छील के इनको इस तरह कद्दूकस कर लेना है, एक एक करके चारों प्याज को बढ़िया सा कद्दूकस कर लेना है। तो इस तरह ये मेरे प्याज भी मैंने बढ़िया से कद्दूकस कर लिए। अब ये प्याज और हरी मिर्च को इस पालक में डाल देंगे, आप चाहो तो इसमें लहसुन को भी बारीक करके डाल सकते हो। अब इधर डालेंगे इसमें 1 चम्मच काला नमक,
काला नमक से परांठे का टेस्ट अच्छा बढ़ जाएगा। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा दरदरा करके फिर डालना है, और स्वादानुसार नमक, अब इसमें डाल देंगे कुछ धनिया की बारीक काट के हरे धनिया की पत्तियां, अब इसमें डाल देंगे इस कटोरी से 3 से 4 कटोरी आटा, जितनी आपको आवश्यकता उतना ले सकते हो। फिलहाल मैंने 3 कटोरी लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हाथ से बढ़िया मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बढ़िया आटा गूंद लेना है। थोड़ा पालक ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मैं इसमें 1 कटोरी आटा और ऐड कर देती हूँ। इसको भी बढ़िया सा इसमें मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा पानी डाल के इस तरह थोड़ा थोड़ा और बढ़िया सा आटा गूंद के मुलायम तैयार कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है आटा, बड़ा सा नरम सॉफ्ट गूंदना है। इस तरह हाथ से मसलते हुए ताकि पालक भी क्या आटे में बड़ा सा गुड़ जाए। तो इस तरह मसलते हुए आटे को गूंदना है। तो ये अपना आटा मैंने बड़ा सा गूंथ के तैयार कर लिया है। इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट कर पे रख देंगे। और 5 मिनट के बाद थोड़ा सा इस तरह से लोई लेके गोल लोया बना के थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर तरह आटे में कर आटा लगाते हुए रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। तो इस तरह से बेल लेना है। थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए उधर मैंने तवा भी चढ़ा दिया है। तो इस तरह बेल लेना है। तो अभी इधर अपना तवा गर्म हो चुका है। इसमें डाल देंगे हम उस पराठे को। इस तरह पलटते हुए ऑयल लगा के दोनों साइडों पे इस तरह ऑयल लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों साइड पे इस तरह से तेल लगा दिया है। अब इसको इसी तरह से उलट पुलट करते हुए बढ़िया सा सेक लेना है। तो ये अपना पराठा बढ़िया सीख के तैयार हो चुका है। अब इसको हम धनिए की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, कड़ी के साथ, किसकी भी साथ खा सकते हैं।
फिलहाल मैंने यहाँ धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मूली की पराठे की रेसिपी। तो इस तरह से मैंने चार मूली लिए हैं, इनको छील लिया है बढ़िया धोकर, और इस तरह से कद्दूकस करना है, बढ़िया बारीक कर लेंगे सारे मूला का। तो इस तरह ये सारे मूलों को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इधर लिया है मैंने एक कटोरी, इसमें हरी मिर्च को बढ़िया काट लेंगे, चार से पांच हरी मिर्च लिए, इनको भी बढ़िया से बारीक काटना है। सारी मिर्च को बढ़िया बारीक काट लेंगे। तो सारी मिर्च को इस तरह से बढ़िया बारीक काट लिया है, तो अपनी मिर्ची भी कट के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ लिए है मैंने दो प्याज, इनको बढ़िया से छील के इनको भी इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो ये प्याज को भी मैंने बढ़िया सा कद्दूकस कर लिया है। बड़ा बारीक करना है। आप चाहो तो बारीक काट भी सकते हो, लेकिन बारीक काटने से क्या है वो पराठों का शेप बिगाड़ते हैं, तो इसलिए मैं पराठों में कद्दूकसी करके फिर डालती हूँ। तो ये अपने प्याज भी अच्छे से कद्दूकस हो चुके हैं। इधर चढ़ा दिए कढ़ाई, इसमें डाल दिया एक चम्मच ऑयल, ऑयल को बढ़िया गर्म होने देंगे। तो ये अपना अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग पाउडर, वो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इनको सुनहरा होने तक भुनेंगे इस तरह। अब इसमें डाल देंगे प्याज जो अपन ने बारीक किए थे, इनको अच्छा सुनहरा होने तक भुनेंगे। तो ये अपने प्याज और हरी मिर्च सब अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे वो मूली का पेस्ट, मूली का जो अपन ने कद्दूकस कर रखा है उसको इसमें डाल देंगे। तो ये मूली को इसमें डाल दिया है, अब इस तरह हिलाते हुए चलाते हुए पकाना है इसको, ताकि ये चिपकेगी नहीं धीमी आंच पे। तो इस तरह हिलाते हुए इसको पकाएंगे। तो ये अपनी मूली अच्छे से हरी मिर्च प्याज में मिक्स हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम दो तीन टेबल स्पून बेसन, दो या तीन जितने भी आप अपनी चॉइस अनुसार डाल सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ दो चम्मच डाला है छोटे चम्मच से, और इसको भी अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे। तो ये अपना बेसन भी इस तरह अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है।
तो ये अपना बेसन भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। धीमी आंच पे इसी तरह हिलाते हुए चलाना है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और ऐसे ही धीमी आंच में हिलाते हुए चलाना है। तो अपने सारे मसाले भी मूली के मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। थोड़ी देर और चलाएंगे इसको, हिलाते रहना है, हिलाना बंद नहीं होना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। इस तरह हिलाते हुए रहना है। तो इस तरह ही अपना मसाला बनके तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गैस से इसको नीचे उतार लेंगे, एक तरफ रख देंगे थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए। अब इधर लेंगे इस तरह का एक पतीला, इसमें लेंगे हम अब 3 से 4 कटोरी आटा। तो इस तरह आटा ले लेना। आटे को बढ़िया छान के फिर लिया है मैंने। इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, इसमें फिर अलग से नमक डालना है आटे के हिसाब से, क्योंकि हमने वो डाला था वो तो मसाले में था, मसाले के हिसाब से डाला था। तो आटे में भी हमें आवश्यकता अनुसार नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम वो मसाला, ठंडा हो चुका है। देखिए ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा भी बढ़िया हो चुका है ये। तो इस तरह सारे मसाले को हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा बचाया है मैंने, उसका अलग से एक परांठा और बना के दिखाऊंगी मैं आपको। और ये थोड़ा धनिया की पत्तियां बारीक काटी हुई, इनको बढ़िया आटे में मिक्स कर लेना है इस तरह हाथों से मिक्स करते हुए। तो ये अपना सारा मसाला इस तरह आटे में बढ़िया से मिक्स हो चुका है। अब इसका हम थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बढ़िया से आटा गूंद लेना है। तो ये हमारा आटा भी इस तरह से गूंद के मैंने तैयार कर लिया है। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा आटा इस तरह। तो लोया तोड़ लेना है इस तरह, बड़े से गोल बना लेना है। इस तरह बनाने से ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। वो मसाला भर के बनाते हैं जो, तो बहुत सारे लोगों को बनाना भी नहीं आता है, उसमें दिक्कत भी बहुत होती है बनाने में। तो ये तरीका बहुत ही आसान और सिंपल है। तो इस तरह इसकी रोटी की तरह बेल लेंगे। तो मैंने इस तरह इसको रोटी की तरह अच्छा बेल के तैयार कर लिया है। देखिए कितना मुलायम सॉफ्ट है। तो इस तरह अपना पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब इधर चढ़ा दिया था तवा, तवा अपना अच्छे से गर्म हो चुका है। इस पर डाल देंगे इस पराठे को अच्छे से। इसको एक साइड को हल्का सा सेकने के बाद पलट देंगे और इस पर लगा देंगे ऑयल
और इस पर लगा देंगे वापस इस साइड को भी पलट देंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह ऑयल लगा देंगे। इसी तरह उलट पुलट करते हुए दोनों साइडों को अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से सेक लेना है अच्छे से। ये अपनी एक साइड अच्छे से पक चुकी है, दूसरी साइड को भी इसी तरह सेक के तो ये दोनों साइड अपनी बड़े से सिक गई है। तो इस तरह ये अपना पराठा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान सिंपल तरीका है, तो इस तरह से बनाइए। जिसको नहीं बनाना आता वो भी अच्छे से बना लेगा। तो ये अपना पराठा बनके तैयार हो चुका है, इसको सर्व कर देंगे प्लेट में। जैसे एक तरीका और रहता है वो है, इस तरह मैंने थोड़ा सा मसाला बचा के रख दिया था और मेरे पास सादा सिंपल रोटी का अचार आटा रखा है, इसका इस तरह से लोया बनाना है और उसमें उस मसाले को इस तरह से रख देंगे। इस तरह इसको बंद करके बढ़िया दबा के सारी साइड अच्छे से बंद कर देंगे। और इस तरह इसको वापस से अच्छा से गोल करके फिर इसका पराठा बनाएंगे। तो एक तरीका ये रहता है, लेकिन इसमें क्या है मेहनत भी करनी पड़ती है और बहुत सारे लोगों से ये बनता नहीं है, इसका मसाला निकल जाता है, साइड से फट जाता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह भी जिसको बनाना आता है वो तो इस तरह बना सकता है, अगर जिसको नहीं बनाना आता है वो पहली वाली स्टेप से आटे में ही मसाला मिक्स करके फिर पराठा बनाए, तो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और बिगड़ने की झंझट भी नहीं रहती है, तो फटाफट बन जाते हैं। तो इसको भी इसी तरह उलट पुलट करते हुए तवे पे सेक लेंगे। जैसे पिछले वाले पराठे को सेका था उसी तरह इस पे भी दोनों साइडों में तेल लगा देंगे और अच्छा बढ़िया इसको भी उलट पुलट करते हुए सेक लेना है। तो इस तरह ये अपना दूसरे तरह वाला पराठा भी बनके तैयार हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही नई नई मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। तो ये पराठा भी अच्छा सा पक के तैयार हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आप देख सकते हो ये हमने पूरे आटे के पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। इसको मैंने यहाँ धनिया की चटनी के साथ सर्व किए है, और इधर टमाटर की चटनी भी है। तो इस तरह बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ लौकी की पराठों की रेसिपी। लौकी यानी खीरा, बहुत ही स्वादिष्ट नरम एंड सॉफ्ट पराठे। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह से एक लौकी ली है, इसको इस तरह छीलेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से चाकू से इसी तरह से छील सकते हैं अपन, जिस तरह मैं छील रही हूँ। तो आप भी इस तरह से चाकू से छील लेना, पूरी लौकी को इस तरह से छील लेंगे।
इस तरह छील के पूरी रेड लौकी को मैंने छील लिया है, इसके छिलके एक तरफ फेंक दिए हैं। तो ये देखिए अपनी लौकी को मैंने दोनों तरफ सिरे भी काट के इसको इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। अब कि अगर आपके पास नरम लौकी नहीं हो और थोड़ी मोटी लौकी हो ताकि जिसमें बीज हो, तो आप उसको बीज काट के उसके बीज निकाल के फिर कद्दूकस करना। तो इस तरह लौकी को मैं कद्दूकस कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कर लेना, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट है। सर्दियों में तो इनको खाने का मजा ही कुछ और होता है, तो आप भी बनाइए अपने घर में, ट्राई कीजिए। इस तरह देखिए ये लौकी को मैंने अच्छे से पूरी को कद्दूकस कर लिया है इस तरह। अब इसमें डाल दूंगी मैं 4 कटोरी आटा। मैंने 4 ही कटोरी आटा लिया है, आप आटे की मात्रा घटा बढ़ा भी सकते हो। तो ये इस तरह से आटा मिक्स कर लेना है। और इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच इतनी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन। इसको हथेली पे क्रश करके भी डाल सकते हो, कूटने का होता है उससे भी थोड़ा बारीक करके फिर डाल सकते हो। 1/2 चम्मच हींग पाउडर, हींग से पराठों का टेस्ट और बढ़ जाता है। और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से धनिया की पत्ती बारीक काट के इस तरह, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी की सहायता से आटे की तरह इसको अच्छे से गूंद लेना है। तो इस तरह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप भी इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना। चाहो तो इसमें आप बेसन या कुछ मक्के का आटा वगैरह भी डाल सकते हो, वैसे इसका हल्दी की वजह से कलर अच्छा ही आता है, लेकिन मक्के के आटे या बेसन से इसका थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हो इसको आटे की तरह, इस तरह ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती है, आसानी से गूंदने में आ जाता है। तो इस तरह मिक्स करते हुए आटे की तरह गूंदना है। ये मैंने गूंद के तैयार कर लिया है, अब इसकी इस तरह लोई बना के और हल्का हल्का सा आटा लगा के और रोटी की तरह बेलना है। ये देखिए इस तरह आटा लगा के इस तरह से और रोटी की तरह बेल लेंगे बेलनी से। तो देखिए इस तरह मैं इसको रोटी की तरह बेल लूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरह रोटी बनाए की तरह बनाना है आटा लगाते हुए। तो ये पराठा अपना बनके तैयार हो चुका है। अब इधर चढ़ा देता है मैंने तवा, तो ये तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब उसमें डाल देंगे वो बनाया हुआ पराठा इस तरह। ये मैंने पलट दिया है,
अब इस पे ऑयल लगा के, इस तरह से ऑयल लगा के दोनों साइडों को एक साइड पे लगा दिया मैंने, इसको पलट देंगे। फिर इधर वाली साइड पे भी ऑयल लगा देना है इस तरह से, और दोनों साइडों को इसी तरह उल्ट पुल्ट करते हुए सेक लेना है। सर्दियों में इनको खाने का मजा ही कुछ और होता है। सर्दियों में तो घर में रोज ही पराठे बनते हैं, आज पालक के, कल मेथी के, इस तरह से। तो आप कभी लौकी के पराठे भी देखना, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये अपने मैंने इसको इस तरह से सेक लिया है, तो ये अपना पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको निकालेंगे एक प्लेट में, इसी तरह दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। तो इस तरह आपके पास जितना भी आटा है उसके जितने पराठे बनाए उतने बना सकते हो आप। देखिए इसको भी इसी तरह उलट पुलट करते हुए सेक लेना है। तो इन सर्दियों में लीजिए लौकी के पराठों का मजा। बहुत ही जबरदस्त, आसान, सिंपल रेसिपी। इसको भी इस तरह सेक लेंगे। तो इस तरह मैंने आपको दो पराठे सेक के बताए हैं, तो आप भी बनाइए और पराठों का आनंद लीजिए। बहुत ही मस्त, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, बिल्कुल नरम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट ये। तो आप भी बनाइए, खाइए, सर्दियों का मजा लीजिए। मेथी के पराठे बनाए मुलायम मुलायम, सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ही आसानी से। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट सर्दियों के मजे मेथी के पराठे के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए ये 200 ग्राम मेथी। इसको मैं ऐसे पत्ते पत्ते तोड़ के इसके डंकल अलग कर लेंगे, क्योंकि डंकल पराठों में नहीं चलते हैं। तो हम सिर्फ पत्ते पत्ते निकाल लेंगे मेथी के इस तरह से, और डंकल को निकाल देंगे। तो मैंने सारी मेथी के पत्ते पत्ते तोड़ लिए, डंकल एक तरफ कर दिया है। अब इनको चाकू की सहायता से इस तरह अच्छा बारीक काट लेना है, बिल्कुल अच्छे से बारीक करना है। तो ये अपनी मेथी बारीक कट के तैयार हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी धनिया की पत्तियां, इनको भी अच्छे से बारीक करके डाल देंगे, और इसको पानी से अच्छे से धो लेंगे। मैंने इनको पहले नहीं धोया है, इसलिए मैं काटने के बाद पानी से धो रही हूँ। तो मैंने ये धो के तैयार कर लिया है। अब इसको एक आटा गूंदने वाले पतीले में डाल लेंगे, जिसमें हम आटा गूंद सकते हैं, ऐसे बर्तन में डाल लेना है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वादानुसार नमक, और थोड़ा सा अजवाइन हथेली पे क्रश करके। अच्छे से मसल लेंगे हाथ पे, और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हींग पाउडर, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। और 2 टेबल स्पून बेसन, 2 कटोरी आटा, आटे को अच्छे से छान के फिर लिया है मैंने
आप आटा आवश्यकता अनुसार डाल सकते हो। अब इसको हाथों से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें लहसुन प्याज और हरी मिर्च को भी अच्छे से पीस के डाल सकते हो। मैंने फिलहाल इनको स्किप किया है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके पानी की सहायता से इसका बढ़िया रोटी बनाया है। ऐसा आटा गूंथ लेना है इस तरह से। तो ये अपना आटा गूंथ के मैंने रोटी तैयार कर लिया है। अब इसकी तोड़ेंगे लोई। लोई बना के इस तरह से अच्छे गोल लोई बना लेनी है। आटे थोड़ा आटा लगा के इस तरह से रोटी बना लेनी है। आटा लगा के अगर आप उसको 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लोगे तो आटा अच्छा मुलायम हो जाएगा। मेरे तो क्या थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं जैसे आटा लगाया वैसे तुरंत पराठा बना रही हूँ। तो इसकी साइड है थोड़ी फट रही है। तो आप इसको आटा गूंद के 5 मिनट एक तरफ रख देना, फिर बनाना और बढ़िया नरम पराठा बनेगा। तो इस तरह आप देख सकते हो, इस तरह से रोटी की तरह बना लेना है। अब इसके आधे हिस्से पे तेल लगा देना है। इस तरह और इस तरह से उसको पलट देना है। फिर इस आधे हिस्से पे इधर भी तेल लगा के ऐसा तिकोना पराठा, इसको थोड़ा आटा लगा के फिर इसको भी बेल लेंगे। तो इस तरह ये अपना पराठा बनके रेडी हो गया है। इसी तरह दूसरा लोया बना के दूसरा वाला पराठा भी बेल लेंगे। इसको मैं रोटी की तरह बनाने वाली हूँ। तो इस तरह ये अपना गोल पराठा भी बनके रेडी हो गया है। तो ये एक एक दोनों तरह का पराठा बनके तैयार हो गया है। अब इसको तवे में सेकेंगे। तो इधर तवा चढ़ा दिया था मैंने, ये तवा गर्म हो चुका है। इसमें डाल देंगे हम पराठा और जैसे इसकी एक साइड हल्की सी पकने वाली है, ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी सी देर के लिए एक साइड को हल्का सा पकाना है। और इस तरह से ऑयल लगा देना है। तो इधर मैंने ऑयल पहले लगा दिया है, अब इसको पलट देना है और इधर भी ऑयल लगा देंगे। तो इस तरह इसको दोनों तरफ अपन ने ऑयल लगा दिया है। अब इसको इस तरह से उलट पुलट करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरह बनाइए पराठा और मजे लीजिए सर्दियों में मेथी के पराठे। तो ये अपना पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक के रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में और दूसरा वाला तिकोना जो पराठा है उसको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। इसको भी इसी तरह पलट के तेल लगा देंगे। और इसी तरह से वापस इसको प्लेट के दूसरी साइड में भी तेल लगा लेंगे। और ऐसे उलट पुलट करते हुए इसको भी सेक लेना है। तो ये अपना पराठा दोनों साइड पे सिक चुका है। इस
इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हो अपने दोनों पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। कितने मुलायम और सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।